हेलो हाय नमस्कार की हाल चाल ते सत श्री अकाल ते अज असीं गल करनी है अंधविश्वास की। साढ़े समाज में इन्ना ज़्यादा अंधविश्वास है, अगर कोई जागत गलती कन्नै भी मंगलवार या वीरवार बाल कटाई दा ना ते घर आले इ'यां करदे जियां कोई प्रलय आई दी हुंदी नी, ते उस बेचारे जागत आले इ'यां दिखदे जियां वह बेबे जिहड़ा बाल कटाई नी कुहा खून करी आया हुंदा, ते वह बेचारा घर आले दा अपराधी बनी रही हुंदा। फिर भावें उस घरै कोई टट्टियां लगन जां उस घरै कोई बुढ़ा बंदा पूरा होई आ ते कसूर आई जांदा उस जागत दा, इन्ना मंगलवार बाल कटाए हे, ते फिर उस जागत दी मां पता क्या आखदी, तू कफना अगर मंगलवार बाल नहीं ना कटांदा ते दादे तेरे ने 2-3 महीने और कढ़ी लैने हे। साढ़े समाज में आत्मविश्वास की कमी हो सकती है मगर अंधविश्वास की कदे नहीं। ये माँ दा अंधविश्वास बनाए दा कुन्ना है, अलग अलग भांति के अंधविश्वास ने माँ आईया ने, जियां किताबा विच मोरा फंग रखने कन्नै पढ़ाई जाती तो उहदे दी झूठी माकड़ी खाने कन्नै दिमाग तेज होंदा। अंधविश्वास एक ऐसी चीज है जो कोई लॉजिक या नियम आई जाना, मिगी लगा जो 95-96% आंदी रहा पेपर च वह पढ़ाई नहीं करते है, वह किताबा विच मोरा फंग रखा होंदा उन्हें। पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो, लेकिन नहीं चनूने काट रहा। हूं भी तुसें गी इक गप सुनाना, एक दिन मैं दुकाना पर सौदा लैन जा रहा हा ते रस्ते में काले रंग की बिल्ली आई, तो जियां बिल्ली ने मेरा रास्ता कटिया ना इन्ने चिर पिछू बंदा आया मोटरसाइकिल लिया चंगा मुठा दबे दा हा, मोटरसाइकिल अगला टायर सीधा बिल्ली की मुंडी पर, बिल्ली वाला उत्थे आराम नाम सत्ते हुई आ। मी तो इस गला शुक्र किया मिगी हुण तकिया नहीं उत्थे, नहीं तो बिल्ली की हालत जो ही ना रस्ता कटने के बाद लोगे मेरा रस्ता कटना बंद करी ना। हाँ दुनिया में इन्ने बहम ने मैं सुना तुम्हें, नुक्का पर नुक चढ़ी है बहम, नुक पुठी हुई है तो बहम, उठे पर कां बोला हुआ तो बहम, बुद्ध बारे बंदा नह कट्टी उड़ा तो बहम, बहमो बहम होई दिमाग की सीरी जाने बंदा करा तो करा के मार जाना। तो सारे को ज्यादा गंद पाएगा जेड़े यूट्यूब पर कुड़ियां फसाने तरीके दसदे ने, अद्धे को ज्यादा अंधविश्वास ना उन्हें फलाया था मार जाना। पेशाब करते समय बोले जे 3 शब्द, लड़की दीवानी होकर पीछे घूमेंगी, प्यार खुद फोन करेगा आपको। क्या बोला तूने? माँ का चूंडा प्यार फोन करा दा, आपे सोहरे दे तो हरंडे फिर आए हो, तो बाकी ने कुड़ियां फसाने तोड़ के दसाए। अगर पेशाब करने कहना कुड़ियां फसदिया हो तो दुनिया में कोई रंडा रोवा नहीं। मिगी तो माँ जानी यह समझ लग गई है पेशाब करने कहना कुड़ी कि पिछले फिरन लगी पौनी, कुड़ियों का पेशाब कहना क्या कनैक्शन है माँ जाना, तुस तो जद्दी दियो आपे चुती आओ तो बाकी आने भी चुतिया बना आयो, मुड़े सोहरे के पागल तो आना है, पेट्रोल इन्ना महंगा हुई दा फिर भी कुड़ियों पिछले गेड़िया मारिए पेट्रोल फुकाए, बेबे ही आने अपने अपने खुरे जाओ पेशाब करो तो कुड़ियां फसाई लो, टेंशन कह रही है माँ जानी मैं भी चलिया पेशाब करना। कहा जाता है किसी यात्रा पर जाते समय अगर बिल्ली रास्ता काट दे वह यात्रा करना अशुभ माना जाता है। कोई सेंस है इस बात की? बिल्ली बिजली तार ते कट नहीं सकती है, उन्हें रास्ता क्या कटना सोरे दिया, ते बिल्ली दे रास्ता कटने के अशुभ कि तू घर आपे भैड़ी बूथी बनाइए बाहर जागा तेरे कहना फिर चंगा भी नहीं सकता है, ते बिल्ली बेचारी इं बदनाम करी उड़ी थी। तंत्र मंत्र शास्त्र में बिल्ली को काली शक्ति का प्रतीक माना जाता है, माना जाता है कि पशु पक्षियों की छठी इंद्री बहुत तेज होती है जिस कारण बिल्ली को भविष्य में होने वाली घटनाओं की जानकारी पहले मिल जाती है। झूठ बोलने भी कोई लिमिट होती है माँ जानी, तेरे कन्ना बिच बिल्ली ने आपे बोलिया ना मिगी सब कुछ पता चली जाता है, इं सोहरे की तरी डोली आवा साढ़े घर 4-5 बिल्लियां ना माँ जानियां 24 घंटे रस्ता कट दियां ने, सानू नहीं कदे उन्हां नहीं सुनाया माँ जाना, तू सोहरे दे बिल्लियां दा रिश्तेदार ते लगना है जेड़ा तुगी सब कुछ पता है। कैसा लगा मेरा मजाक? क्या आपने कभी सोचा है कि असल में कुत्ते रोते क्यों हैं? ओ माँ दी सिरी जने आऊं तेरे अंगर बेला ते आया और कोई काम नहीं रहा दुनिया च, बस इ रही दहा कि कुत्ते कल ही रोंद ने, चल असें नहीं सोचा भरावा तू सोचा ते सुना। कहा जाता है कि कुत्ते का रोना मतलब आने वाले समय में किसी की मौत की पूर्व सूचना। यार बहन जो सारे मिलके हमको पागल बना रहे मादर चोत के बच्चे, कुत्ते दे रोने के ना मौत की सूचना मखोल है बेदम आई ना कोई, तू सोरे दिया बेला है तू अपनी की कहानी रची उड़ी, कोई सकता कुत्ते भुख लगती हुआ जा फिर कुत्ते कब्जी भी हो सकती है, साढ़े महल ते रोज कुत्ते रोए होंगे ने ते सब के जींदे ने आई जाने। घर के किसी सदस्य पर बुरी नजर लग गई हो तो दूसरा सदस्य पीड़ित व्यक्ति के ऊपर से सिर से पैर तक नींबू को 7 बार घुमा ले, ऐसा करने के बाद नींबू के 4 टुकड़े करके कहीं सुनसान जगह पर फेंक दे, याद रहे जब नींबू फेंकने जाए तो ना किसी को बताए और ना ही पीछे मुड़ कर देखे, ऐसा करने से बुरी नजर उतर जाती है। नींबू माए खाने वाली चीज है, नींबू दा ते बुरी नजर आप बिच के लैन देना है, अगर गली बिच काले कशाले आए होंगे तू भावे फिर काले टिके ला या नींबू फिर जो मर्जी कर, काले कशाले जो चुकना होना उन्हें चुके ले गई जाना, उत्थे ना काम आना नींबू ते ना काम आनी मर्च, फिर नींबू दे मर्च बैठे टुगे मलियो अपने।
आपको सोई हुई किस्मत जगानी है तो एक नींबू को अपने सिर से 7 बार घुमाकर उसे 2 टुकड़े करें। इसके बाद बाएं हाथ का टुकड़ा दाएं तरफ और दाएं हाथ का टुकड़ा बाएं तरफ फेंक दें। ऐसा करने से आपके सभी बिगड़े हुए काम फिर से बनने लगेंगे। अगर नींबू करना काम बन नहीं पे तो लोग मेहनत करना छड़ी ओढ़ने, क्योंकि सारे काम तो नींबू करा रहा है। क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा। अगर वीडियो शेयर लगी है तो वीडियो लाइक कर दो, तो चैनल की सब्सक्राइब करना नहीं भूलियो है। चलो फिर हूँ बाय बाय टाटा टेक केयर, तो हूँ भी चले पेशाब करन, क्योंकि आऊँ कुड़ी भी फसानी नहीं कोई। खत्म, बाय बाय टाटा गुड बाय गया।